हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है सॉलिड। तो इस क्लास में हम लोग सॉलिड के बारे में बेसिक बातें करेंगे और इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस क्लास में हम लोग देखते हैं बेसिक कुछ बेसिक बातें जो कि हम लोग 7-8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड जो टॉपिक है ये जो है वह सॉलिड स्टेट चैप्टर का है जो कि आपका बहुत फेमस चैप्टर है बीएससी सेमेस्टर 1 के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो कौन सा चैप्टर के अंदर है उसको हटाइए। अभी मेरा मेन फोकस है किस पे? सॉलिड पे। तो जिस किसी का बेसिक बातें सॉलिड के बारे में क्लियर है वो इस वीडियो को क्या करेंगे, छोड़ सकते हो। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम तो बात करेंगे किससे? बेसिक से। हम तो इसको पार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड को समझने के लिए स्टेट्स ऑफ मैटर को समझना होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर मींस मैटर का स्टेट्स। मैटर का जो है वह कौन कौन सा स्टेट होता है, कौन कौन सा स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। और मैटर क्या होता है वो तो हमें नहीं बताना होगा। अरे एनीथिंग्स दैट्स ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास दैट वी कॉल दैट्स मैटर। तो मैटर के ऊपर तो हमें वीडियो नहीं बनाना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेट्स है जिसमें कि मैटर एग्जिस्ट करता है। तो इस पे जो है वह बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें कि मैटर एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन सा स्टेट्स है उसको देखिए। फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट, नहीं सेकेंड है लिक्विड स्टेट, थर्ड है गैसियस स्टेट, नहीं और फोर्थ है प्लाज्मा स्टेट, नहीं। ये चार स्टेट जो है वो बहुत फेमस है। और एक और स्टेट होता है फिफ्थ स्टेट जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या चीज, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स ये जो फिफ्थ स्टेट्स है मैटर का, ये कैसा है? मैन मेड है। क्लियर? तो हम कुछ नहीं बोले, हम यही बोले कि स्टेट्स ऑफ मैटर मींस मैटर का जो स्टेट्स है ये पांचों स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और एक और स्टेट है जो कि है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो स्टेट्स है वह मैनमेड स्टेट है। कैसा स्टेट है? मैनमेड स्टेट है। इसमें आइंस्टीन साहब का नाम लगा है, समझ गया? तो मैनमेड स्टेट होगा, ये तो आप जानते ही हो। तो हम बता दें कि ये चार स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, ठीक है। और ये जो फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये स्टेट्स के बारे में अभी भी रिसर्च हो रहा है, अभी भी इसके बारे में पूरा मतलब क्लियर जानकारी नहीं हो पाया है। खैर ये भी एक स्टेट्स हो गया है कि इसमें मैटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बारे में रिसर्च अभी भी चल रहा है। तो वो सब बातें छोड़िए, हमें जो है अपने टॉपिक पे बात करना होगा। तो बहुत सारा स्टेट्स होता है लेकिन हमें जो है बीएससी सेमेस्टर 1 के अंदर ये तीनों स्टेट्स के बारे में केवल पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स ये जो दो स्टेट्स है इसके बारे में हमें बीएससी सेमेस्टर 1 के अंदर नहीं पढ़ना। इसको पढ़ने के लिए आपको और हायर क्लासेस में जाना होगा, ठीक है। तो खैर उसकी टेंशन मत लीजिए, जिसको पढ़ने का इच्छा होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसके ऊपर हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के ऊपर एक पर्सनल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये तीन स्टेट्स को हमें पढ़ना है। अब इस तीन स्टेट्स के चलते तीन चैप्टर बना है, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट। और उसी तीन चैप्टर से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉलिड, और इसी सॉलिड के बारे में हम क्या कर रहे हैं अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉलिड को पढ़ने के बाद फिर हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर गैस के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हमारा मुद्दा है सॉलिड। सॉलिड होता क्या है? तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर से समझिए कि सॉलिड कैसा दिखता है, नहीं इसका डायग्राम देखिए। तो सॉलिड जो है वह कुछ ऐसा दिखता है, सॉलिड कुछ ऐसा दिखता है,
ऐसा करने का मतलब क्या कि इसका जो पार्टिकल्स है वह बहुत पास पास होता है, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वह बहुत स्ट्रांग होता है, सॉरी इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वह बहुत क्या होता है, कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, इसी के कारण इसका जो पार्टिकल्स है, इसका जो एटम्स है वो क्या होता है, बहुत पास पास होता है, बहुत नजदीक होता है, इसका शेप फिक्स होता है, मास फिक्स होता है और वॉल्यूम फिक्स होता है। वही बात करें हम लिक्विड की, तो लिक्विड जो है इसको किसी भी कंटेनर में आप समझिए कि लिक्विड को कोई कंटेनर में रखे हैं, ठीक है, तो लिक्विड जो है वह कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा कहने का मतलब कि इसका जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस वो सॉलिड से ज्यादा होता है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड का शेप फिक्स क्यों नहीं होता है उसको समझिए, मान लीजिए कि लिक्विड को आप ग्लास में रखे हैं, एक ग्लास में, तो लिक्विड को अगर आप ग्लास में रखे हैं तब तो उसका शेप मान लीजिए आपको फिक्स लग रहा है, नहीं उसका शेप कैसा होगा, ग्लास के जैसा, ग्लास का जैसा शेप होगा उसी प्रकार से उस लिक्विड का शेप होगा। वही लिक्विड को अगर आप अपने घर में फ्लोर पे फेंक दीजिए, नहीं नीचे वाले फ्लोर सरफेस पे फेंक दीजिए, तो उस लिक्विड का शेप जो है वह कुछ ऐसा हो जाएगा। और जब ग्लास में था, और जब ग्लास में था तो इसका शेप कैसा था, कुछ इस प्रकार से था, नहीं तो सरफेस पे कुछ ऐसा, यहां पे कुछ ऐसा, तो इसी के कारण बोल रहे हैं कि लिक्विड का शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं गैस का, तो गैस, गैस को एक कोई भी हम क्या करते हैं, बंद कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि गैस क्या हो सकता है, उड़ सकता है, तो गैस को क्या करते हैं, एक कंटेनर में पैक करके रखते हैं। तो गैस का, गैस कुछ ऐसा दिखता है, नहीं गैस के पार्टिकल्स के बीच में कुछ रैंडम मोशन होता है, नहीं इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कहने का मतलब कि सॉलिड से भी ज्यादा और लिक्विड से भी ज्यादा, नहीं इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होता है। बड़ा कंटेनर में रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कंटेनर में रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका तीनों का डायग्राम, सॉलिड लिक्विड और गैस का, ये दोनों तो अभी हमें पढ़ना नहीं है, तो ये तीनों का डायग्राम था। आप तीनों के डायग्राम से जो है आप तीनों को क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। खैर बात अभी आपको डिफरेंशिएट करने का नहीं है, पहले आप सॉलिड के बारे में क्लियर पढ़ लीजिए, जिस चैप्टर में हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे फिर गैस के बारे में पढ़ेंगे, जब तीनों पढ़ लीजिएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम से समझ में आ गया कि सॉलिड कैसा दिखता है, लिक्विड कैसा दिखता है और गैस कैसा दिखता है। तो ये सब छोड़िए, अब हम बात करते हैं कि सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सॉलिड को डिफाइन करना बहुत इजी है, ये सब जितना बातें हम बोले इसी में से सॉलिड डिफाइन हो जाएगा। कैसे, वो चीज देखिए वहां पे लिखा हुआ है, सॉलिड इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है, एक फंडामेंटल स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर है, नहीं फंडामेंटल क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, कौन, सॉलिड। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है सॉलिड का वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड है। देखिए इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वह बहुत कम है, इसका एटम्स जो है वह बहुत पास पास है, इसी के कारण ये बहुत कम काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, कंटेन्स करता है, क्लियर। तो सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे वो सब कुछ हम इसी चीज से देख लिए। अब हमें लिक्विड और गैस के बारे में बात नहीं करना है क्योंकि इसका एक पर्सनल चैप्टर है, वहां पे बात करेंगे, बस आपको हम इससे इसका डायग्राम समझने के लिए दिखा दिए थे, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लिए, अब सॉलिड के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि हम 7-8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसका जो प्रॉपर्टीज है या इसका पॉइंट्स कह सकते हो वो है, सॉलिड हैव फिक्स्ड मास शेप एंड वॉल्यूम, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, इसका शेप भी फिक्स है, नहीं इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और इसका मास भी फिक्स्ड है, किसका, सॉलिड का। सेकेंड, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज लीस्ट कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड गैस। इसमें देखिए इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, नहीं किसके कंपेयर से, लिक्विड और गैस का, लिक्विड का इंटरमोलिक्यूलर स्पेस देखिए, गैस का इंटरमोलिक्यूलर स्पेस देखिए, तो इसका बहुत कम होता है, किसका, सॉलिड का, किससे, लिक्विड और गैस से।
थर्ड पॉइंट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन अ पार्टिकल, जिसके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा मींस क्या, एटम को अच्छे से पकड़ के रखेगा तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके पास, सॉलिड के पास, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है, सब एटम अपने आप में क्या है, क्लोजली पैक्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, क्लियर दिख रहा होगा किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और डेंसिटी तो आपको दिख रहा होगा कि डेंसिटी ऑलवेज हाई। एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, इसके अंदर जितना भी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन्स है वह क्या, इसका क्या होता है, एक फिक्स्ड पोजीशन होता है। डिफ्यूजन रेट ऑफ सॉलिड इज वेरी स्लो, ये डिफ्यूज करने का इसका जो रेट होता है वह बहुत स्लो होता है, नहीं क्योंकि क्लोजली पैक्ड होगा तो इसको डिफ्यूज करना क्या होगा, मुश्किल होगा, तो इसी के कारण इसका डिफ्यूजन रेट बहुत क्या होगा, स्लो होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, अब बताओ लिक्विड को कंप्रेस करना रहेगा तो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वह बहुत ज्यादा है, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत कम है, तो इसको कंप्रेस करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, ये कंप्रेस नहीं होगा, तो इसी के कारण सॉलिड जो है वो इनकंप्रेसिबल होता है। दे हैव नो फ्री मोशंस ओनली वाइब्रेशंस अलाउड, इसमें मोशंस नहीं होगा इसके एटम्स के बीच, केवल वाइब्रेशन होगा, जैसे देखो ये सॉलिड है तो इसपे अगर हम क्या करते हैं, इसको इसमें हम अगर फोर्स लगाते हैं तो इस सॉलिड के बीच में जो एटम्स से ये जो सॉलिड बना है इसके बीच में क्या होगा, ओनली वाइब्रेशंस होगा, नहीं इसके पार्टिकल्स इसके एटम्स के बीच में मोशन नहीं होगा कि यहां पे जो मान लीजिए एटम्स है वो उड़ करके यहां पे मोशन करने चल जाएगा, ये जहां पे है ना वहीं पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो वही बात हम पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स एटम्स के बीच में केवल वाइब्रेशंस होगा, इसमें कोई मोशन नहीं होगा। एग्जांपल्स की बात करें तो कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं, टेबल शुगर, नहीं वाटर आइस, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कि ड्राई आइस भी हम कहते हैं, ग्लास, रॉक, मोस्ट मेटल्स एंड वुड आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। तो ये सब बातें बेसिक बातें हैं किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड, क्या चीज, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को जो है क्लासिफाई किया गया तीन टाइप से, थ्री पार्ट में, सॉलिड का क्लासिफिकेशन कितना पार्ट में हुआ, थ्री पार्ट में। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलिन सॉलिड, सेकेंड वन इज एमोर्फस सॉलिड, या इसी को कहता है बहुत कोई सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहता है, तो क्या कहता है वो सब हम इसके पीछे एक और प्रश्न वीडियो बनाएंगे, वहां पे देखिएगा अच्छे से। आप समझिए कि इसका क्लासिफिकेशन तीन पार्ट में हुआ, फर्स्ट इज क्रिस्टलिन सॉलिड, सेकेंड वन इज एमोर्फस सॉलिड एंड थर्ड वन इज पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड। तो ये सॉलिड का जो है वह क्या है, तीन टाइप्स है जिसमें कि सॉलिड को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अब बात करते हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो क्रिस्टलिन सॉलिड जो होता है वह एक थ्री डायमेंशंस में होता है, रिपीटिंग पैटर्न में होता है, लॉन्ग चेन ऑर्डर में होता है। फिर से सुनिए, क्रिस्टलिन सॉलिड कैसा होता है, एक थ्री डायमेंशंस में रिपीटिंग पैटर्न में लॉन्ग चेन ऑर्डर में। इसका कुछ स्ट्रक्चर 3D में आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि इसका एक लॉन्ग चेन ऑर्डर है, थ्री डायमेंशंस में है और एक रिपीटिंग पैटर्न है, नहीं इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो थ्री डायमेंशंस में। तो ये कौन सा सॉलिड है, ये क्रिस्टलिन सॉलिड है, क्लियर। इसका जो रिपीटिंग पैटर्न होगा वो एबी टाइप होगा, कैसा होगा, एबी टाइप होगा, मतलब कि ये एक रिपीटिंग पैटर्न में होता है। एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड जो है
इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, नहीं इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, ये कुछ ऐसा होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता, एमॉर्फस सॉलिड। इसके बारे में खैर हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपको बस थोड़ा हम हिंट दे रहे हैं, एमॉर्फस सॉलिड का कोई शेप फिक्स नहीं होता। तो क्रिस्टलिन क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है, अब बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलिन की। पॉलीक्रिस्टलिन होता क्या है, पॉलीक्रिस्टलिन कैसे समझे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने का मतलब क्या, इसको समझिए ऐसे, पहले डायग्राम को बना देते हैं उसके बाद समझाते हैं आपको। इस डायग्राम को पहले आप क्या कीजिए, बना लीजिए, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। हम बताएं कि क्रिस्टलिन सॉलिड 3D डायमेंशन में होता है, नहीं रिपीटिंग ऑर्डर, एमॉर्फस सॉलिड का कोई शेप फिक्स नहीं होता, और पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड कुछ ऐसा दिखता है। अब पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड को समझेंगे कैसे, इसको ऐसे समझिए कि इसका स्ट्रक्चर जो है वह उस लड्डू के जैसा होता है, लड्डू जो कि गणेश भगवान का जब हम पूजा करते हैं तो जिस लड्डू का क्या करते हैं, भोग लगाते हैं, उसी लड्डू के बारे में बात कर रहे हैं। लड्डू के अंदर जो बूंदिया से लड्डू बनता है, उस बूंदिया का शेप तो फिक्स होता है, तो वही देखिए इसमें क्या है, बूंदिया है, इस बूंदिया का हर एक लड्डू में बूंदिया का शेप क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन लड्डू का शेप साइज जो है वह कुछ बड़ा छोटा हो सकता है, कोई लड्डू छोटा कोई लड्डू बड़ा। तो जस्ट इसी के टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड के स्ट्रक्चर, किस टाइप से, लड्डू के जैसा, लड्डू के अंदर बूंदिया का साइज फिक्स लेकिन लड्डू का साइज फिक्स नहीं होगा, ये कुछ कोई बड़ा कोई छोटा, नहीं समझा आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आपका पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड का स्ट्रक्चर, क्लियर।